नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सूर्यकुंड स्थित आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को सीएम ने संबोधित किया। लोगों ने इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाने की अपील की। सभी स्वास्थ्य केंद्र पर बना रहा है गोल्डन कार्ड, सीएम ने कहा। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज पर काम शुरू हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों को अन्न प्राशन का कार्य, माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के आरोग्य मेला हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हर रविवार को लग रहे हैं और वहां पर आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। हम अनिवार्य रूप से उस गोल्डन कार्ड को बनाए जिससे हम लोग इस बारे में कि कहीं भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसे किसी बड़े सेंटर में जाना हो तो वहां पर उसको फिर पैसे की आवश्यकता नहीं हो गया, कार्ड दिखाया, कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसी रजिस्ट्रेशन से वहां पर डॉक्टर परामर्श भी देगा, उसी से दवा भी मिलेगी, उसी से जांचें भी होंगी, उसी से भर्ती भी हो जाएगा। सारी की सारी कार्रवाई एक गोल्डन कार्ड आपका वहां पर कर देगा और एक गोल्डन कार्ड हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाने की कार्रवाई हो रही है। दूसरा, किसी को टीबी हो गया है तो टीबी रोग के प्रति भी जागरूक करने और उसकी दवा का उपचार भी 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है, भारत को फाइलेरिया से मुक्त करना है, भारत को तमाम उन प्रकार की विषाणुजनित बीमारियों से भी मुक्त करना है। इस कार्यक्रम को भी हमें अपने हाथों में लेना है और इसके लिए ये आरोग्य मेला एक बहुत बड़ी देन है। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य जागरूकता के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। मुझे याद है 1947 से 2016 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज बने थे। 2016 से 2019 के बीच मात्र 3 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 28 मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, जिनमें 7 मेडिकल कॉलेजेज को इस सत्र में हम लोगों ने प्रारंभ भी कर दिया, जिसमें अयोध्या का मेडिकल कॉलेज भी है, जिसमें हम लोगों ने इस वर्ष से कक्षाएं प्रारंभ की है। 8 नए मेडिकल कॉलेज में अगले वर्ष हम प्रवेश प्रारंभ करवाएंगे। 13 नए मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं और जो 16 जनपद अभी प्रदेश के ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, उनके लिए भी प्रदेश सरकार एक पॉलिसी लेकर के आ रही है और उस पॉलिसी के अंतर्गत उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज हम पीपीपी मोड पर बनाने का कार्य करने जा रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति को उसके जनपद में ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस कार्य अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां विशाल संत सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम ने जगतगुरु पुरुषोत्तम आचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले योगी, राम जन्मभूमि आंखों के सामने बनेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर, भगवान राम के आदर्शों पर चले संतों का आशीर्वाद सफल होगा। विरल गंगा निर्मल गंगा का सपना साकार होगा। पीएम मोदी का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। भगवान की भूमि पर गौरक्षा हमारा दायित्व है, गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। केवल गौरक्षा बोलने से गौरक्षा नहीं होगी। दूध उत्पादन में यूपी सबसे बड़ा राज्य है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। सरकार अब तक 500 से ज्यादा अफसरों का निलंबन और डिमोशन कर चुकी है। 250 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी 2.5 साल के दौरान किए गए जबरन रिटायर। भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 सालों से जारी मुहिम में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले किए। बड़ा हो या छोटा, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई। भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार कर सरकार लगातार मिसाल बना रही है।
तो कौन कौन से विभागों पर कार्रवाई की गई है ये भी आपको विस्तार से बताते हैं। इन विभागों में अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। ऊर्जा विभाग में 169, गृह विभाग में 51, परिवहन विभाग में 37, राजस्व विभाग में 36, बेसिक शिक्षा विभाग में 26, पंचायती राज में 25, साथ ही पीडब्ल्यूडी में 18, श्रम विभाग में 16, संस्थागत वित्त में 16, वाणिज्य कर विभाग में 16, मनोरंजन कर विभाग में 16, ग्रामीण विकास विभाग में 15, वन विभाग में 11 अफसरों पर बड़े पैमाने का एक्शन लिया गया है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार लगातार कार्य कर रही है, चाहे वो ट्रांसफर करना हो या फिर निलंबन करना हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, कांस्टेबल हो, डीएम हो, एसपी हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरीके से कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ में बड़े पैमाने की कार्रवाई लगातार की जाती है। 500 से ज्यादा ऐसे बड़े और छोटे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अभी तक 2 साल के भीतर सरकार कार्य कर चुकी है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार जो कार्य करना चाहती है, मंशा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बार बार वो संदेश देती रहती है। कानपुर से बड़ी खबर, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, आरटीओ में लाखों की प्रचार सामग्री जलाने पर जांच के आदेश दिए गए। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को अपनी जिम्मेदारी के साथ में दिखाया था। प्रचार सामग्री जलाने की खबर, एआरटीओ परिवर्तन करेगा मामले की जांच पड़ताल। एआरटीओ परिवर्तन के अंडर में आती है प्रचार सामग्री। एआरटीओ परिवर्तन के जांच करने पर निष्पक्ष जांच में संदेह है। एआरटीओ परिवर्तन में अलावा किसी दूसरे अधिकारी से जांच करवानी चाहिए, महानगर विकास समिति अध्यक्ष से करवानी चाहिए इस मामले की पूरी सघन जांच पड़ताल। तो आरटीओ विभाग में जिस तरीके से ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने को लेकर जो पैम्पलेट्स दिए गए थे कि लोगों तक पहुंचाए जाएं, उसे बांटा नहीं गया बल्कि उसे जला दिया गया था। तो ये तमाम पड़ताल न्यूज़ वन इंडिया ने आपके सामने दिखाई थी, हमारे सहयोगी ने तमाम तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से वो प्रचार सामग्री को जला दिया गया है। करोड़ों रुपए की जो प्रचार सामग्री भेजी जाती है आरटीओ विभाग में, उसे जला दिया जाता है, ना कि लोगों तक पहुंचाया जाता है। सिर्फ कागजों में दर्शाया जाता है कि हाँ, लोगों में पैम्पलेट्स बांट दिए गए हैं, प्रचार सामग्री भेज दी गई है, लेकिन सिर्फ कागजी हवा हवाई बातें होती हैं। जमीनी स्तर पर आप जाकर देखिए, जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया गया अपनी जिम्मेदारी के साथ में, हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे पैम्पलेट जले हुए नीचे जमीन पर कूड़े के ढेर में पड़े हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका यही साफ तौर पर कहना था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि प्रचार सामग्री को जला दिया गया हो। अश्वनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से आपने पूरी रिपोर्ट भी दिखाई थी, आप मौके पर गए भी थे, अभी एआरटीओ विभाग को जांच पड़ताल सौंपी गई है, कितना निष्पक्ष होगी ये जांच, क्या उम्मीद की जाए? देखिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज ऑन इंडिया ने इस खबर को बड़ी प्रवक्ता से दिखाया था कि जो प्रचार सामग्री आई थी उसको जो है उसे ही कैंपस के ही अंदर जला दिया गया, आरटीओ कैंपस के अंदर। जिसके बाद जो न्यूज ऑन इंडिया ने इस खबर को दिखाया तो आरटीओ राकेश सिंह ने इसकी जांच एआरटीओ उदयवीर सिंह को दी है, जो की उदयवीर सिंह है, ये दो दो चार संभालने खुद प्रवर्तन के अधिकारी हैं और साथ ही साथ प्रशासन भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है कि ये जो प्रचार सामग्री का सामान आता है जिसे बांटने के लिए दिया जाता है वो प्रवर्तन दल का ही काम होता है, जबकि प्रवर्तन दल में भी उदयवीर सिंह है और जहां पे चलाया गया वो प्रशासन के इसमें भी आता है, तो एक ही अधिकारी दोनों उसको देख रहे हैं, तो ऐसे में कहां से निष्पक्ष जांच होगी? जिसको लेकर के महानगर विकास समिति के भूपेश अवस्थी हैं, उन्होंने इस बात पे भी सवाल किया गया है कि आखिरकार ये जो जांच कराई जा रही है उन्हीं के ही अपने लोगों से कराई जा रही है, तो इस पे जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी, जांच किसी और से कराई जानी चाहिए, किसी बाहर के अधिकारी से कराई जानी चाहिए, या भी जिला प्रशासन इस जांच की करना चाहिए, तभी जाकर के निष्पक्ष जांच हो सकती थी। सृष्टि, चलिए अश्वनी, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से बड़ी खबर है, जांच निस्तारण और विवेचना इकाई का गठन किया गया। आपको यह बड़ी खबर हम लगातार बता दें, निस्तारण और विवेचना इकाई का गठन किया गया। एसएसपी कलानिधि ने थानी ने निस्तारण और विवेचना इकाई का गठन किया है। गाजियाबाद को 3 जोनों में बांटा गया है, यह अपडेट आपको दे दें। कानून व्यवस्था, पुलिस और विवेचना स्तर पर विभाजन किया गया है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के 18 थानों में गुण दोष के आधार पर गठन किया गया है। सभी थानों पर तैनात एसएचओ क्राइम, एसएसआई विवेचना इकाई के प्रभारी बनाए गए। विवेचना सेल में तैनात कर्मचारी एसएचओ क्राइम के निर्देशों का पालन करेंगे। विवेचना का एविडेंस प्राप्त करके गुण दोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
विवेचना निस्तारण के संबंध में थानों को ए बी सी तीन ग्रेडों में बांटा गया है। ग्रेड ए में कुल 7 थाने को सम्मिलित किया गया है। विजयनगर, सिहानी गेट, इंदिरापुरम, साइबाबाद, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर थाने ए ग्रेड में हैं। ग्रेड बी में कविनगर, खोड़ा, लोनी बॉर्डर, ट्रॉनिका सिटी, भोजपुर, मसूरी सहित कुल 6 हैं। ग्रेड सी में कोतवाली, निवाड़ी, लिंक रोड, कौशाम्बी, टीला मोड़ सहित कुल 5 थाने हैं। विवेचना सेल में लगे पुलिस बल को कानून व्यवस्था ड्यूटी से अलग रखा जाएगा। SSP ने विवेचना सेल के कार्यों का हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश जारी किया है। एमजे चौधरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमजे, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी खबर को लेकर? जी, मैं बता दूं कि गाजियाबाद SSP कलानी नैसानी का एक बहुत ही सराहनीय कार्य देखने को मिला है। जिस तरीके से SSP कलानी नैसानी ने आज एक समीक्षा बैठक कर एक 3 ग्रेडों में ABC ग्रेडों में आज गाजियाबाद थानों को चिन्हित किया है, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता भी मिलेगी, क्योंकि विवेचना निस्तारण को लेकर जिस तरीके से आज SSP ने जैसे की ABC ग्रेड चिन्हित किए हैं, उसी को देखते हुए आज SSP ने ASP, SP और CO को निर्देश जारी किए हैं कि विवेचनाओं को निलंबित करने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। उसके अलावा SP क्राइम को SP क्राइम है साथ में, और उसके अलावा एडिशनल क्राइम को भी इस मामले में जानते भी है कि किसी तरीके से निस्तारण की जो सेवाएं है उनको जल्द से जल्द निपटा लिया जाए और किसी तरीके से भी इसमें लापरवाही ना बरती जाए, और जो विवेचना अधिकारी है उनको अलग से कोई भी कार्य न दिया जाए, जरूरी हो तो वो कानून व्यवस्था में साथ देंगे, नहीं तो वो विवेचना में जुटे रहेंगे। जी, चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आगरा से, जहां ग्वालियर हाईवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसे में पत्नी की मौत और पति गंभीर रूप से घायल। गांव नदीम से सोन गांव जा रहा था दंपति, गुस्साए ग्रामीणों ने ग्वालियर हाईवे को जाम कर दिया है। कई थाना पुलिस फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे हैं CO खैरागढ़। ग्रामीणों को आश्वासन देकर CO ने जाम खुलवाया। गंभीर रूप से घायल शख्स का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। थाना इरादत नगर क्षेत्र के खारी नदी ग्वालियर हाईवे का मामला है। तो गंभीर रूप से घायल शख्स का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, थाना इरादत नगर इलाके के खारी नदी ग्वालियर हाईवे का ये पूरा मामला सामने आया है। ग्वालियर हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा आगरा से बड़ी खबर है। हादसे में पत्नी की मौत और पति गंभीर रूप से घायल। मयंक त्यागी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं, ये दंपति बाइक सवार जो थे ग्वालियर नेशनल हाईवे पर निकल रहे थे, जो अपने गांव से दूसरे गांव के लिए जा रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन के द्वारा इनका टकराव हुआ है और चपेट में आने से वहां पर जो पत्नी है उसकी मौत हो गई और पति जो है उसे गंभीर रूप से घायल इलाज के लिए आगरा भेज दिया। वहां इसकी नाजुक बताई जा रही है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। जाम करने के बाद तमाम थाना पुलिस जो सर्किल का वहां पर मौके पहुंच गया, मौके पर CO खैरागढ़ पहुंचे और उन्होंने जाम को खुलवा दिया गया। चलिए, माइक अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पेपर खराब होने पर छात्र ने कॉपी फाड़ी। इंटर के छात्र ने पेपर खराब होने पर कॉपी फाड़ दी। भौतिक विज्ञान का पेपर खराब होने पर कॉपी फाड़ दी। छात्र ने 20 फरवरी को पेपर खराब होने पर कॉपी फाड़ दी। छात्र के खिलाफ में छपिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। छपिया के रामलखन सूबेदार स्कूल की घटना है। कादर अंसारी हमारे साथ में गोंडा से संवाददाता जुड़ चुके हैं। कादर, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी, बताना चाहेंगे, पेपर खराब होने पर छात्र ने कॉपी जो है फाड़ दी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था छात्र, फिजिक्स का पेपर खराब होने पर कॉपी जो है फाड़ दी छात्र ने, और इसके खिलाफ जो है धारा 427 में दर्ज हुआ है कि छपिया थाने का ये पूरा मामला है। चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
संभल से बड़ी खबर, जहां सीएमओ पर भ्रष्टाचार दबंगई का आरोप लगा है। संभल जिला अस्पताल के सीएमओ है डॉक्टर अमिता सिंह। सीएमओ डॉक्टर अमिता सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांच शुरू हो चुकी है। सीएमओ पर लगे आरोपों की जांच शुरू होने से महकमे में हड़कंप का माहौल है। संभल सीएमओ अमिता सिंह की सीधे योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है। संभल सीएमओ डॉक्टर अमिता सिंह पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप है। सीएमओ अमिता सिंह पर बड़े घोटाले कर सरकारी पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप है। वार्ड बॉय के जरिए बड़े घोटाले करने का आरोप लगा है। अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब चलवाकर धन उगाही का भी आरोप लगा है। क्रिकेटर पीयूष चावला की सास हैं सीएमओ संभल डॉक्टर अमिता सिंह। मुरादाबाद के सीएमएस रह चुके हैं संभल सीएमओ अमिता सिंह के पति। क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। संभल सीएमओ अमिता सिंह पर भ्रष्टाचार और दबंगई करने के बड़े आरोप लगे हैं। सीएमओ के खिलाफ शिकायतकर्ता अजय वीर सिंह और विनय शर्मा ने सबूत जुटाए हैं। सबूत जुटाने के बाद प्रदेश के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को सीधा शिकायत की गई है। इस शिकायत के बाद में लखनऊ से एक टीम संभल के बहजोई जांच के लिए पहुंची है। स्वास्थ्य निदेशालय की टीम पहुंचने के बाद में महकमे में हड़कंप का माहौल है। शिकायतकर्ता ने सीएमओ पर वार्ड बॉय के जरिए घोटाले करवाने का भी बड़ा आरोप लगाया है। जिले भर में अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब चलवाकर धन उगाही करने का आरोप लगा है। बड़े बड़े घोटाले करके लग्जरी गाड़ियां और जमीन जायदाद जमा करने का भी इनके ऊपर बड़ा आरोप लगा है। संभल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अमिता सिंह पर भ्रष्टाचार और दबंगई के आरोप लगने के बाद में न्यूज वन इंडिया संवाददाता मुजम्मिल दानिश ने सीएमओ अमिता सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा उन्होंने खुद पर लगे इतने बड़े आरोपों पर। तो प्रदेश के संभल में मौजूद हैं और यह सीएमओ मैम मेरे साथ हैं। मैम, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का आप आरोप लग रहा है, यहाँ पर एक वार्ड बॉय है वो आपकी संरक्षण में है, यहाँ काफ़ी जो है जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा ये यहाँ एक विनय शर्मा रहे हैं कभी क्लर्क, उन पर लाखों रुपये सैलरी उनकी जाती थी, इसके अलावा जो आयुष्मान का जो आपने जो बजट था बिना डीएम के अप्रूवल दे दिया, एक और है इनके जो एआरओ हैं आपको उनको एनएचएम का जो कि बाबू कैसे, क्या कहना है इस सारे प्रकरण में। देखिए, ऐसा है, मुझ पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और आपको ये खबर कहाँ से मिली कि मुझ पर भ्रष्टाचार का या किसी चीज का आरोप है, कहाँ से खबर लगी? ये जिस तरह चैनल हमारा आया है लगातार सवाल है, लखनऊ की टीम भी अभी आई थी, लखनऊ की टीम आई थी, जिस तरह ये विनय शर्मा के ऊपर गबन का आरोप है। और बल्कि मैंने तो उसके जो पिछले कार्यकालों में उसके पिछले समय में जो उसका वित्तीय निमित्ता की जा रही थी उसका पटाक्षेप किया था। और ये जो अनर्गल आरोप उसने विनय शर्मा ने लगाए हैं और इसके सापेक्ष कोई भी उसमें प्रमाण नहीं मिले, मतलब ये बदले की भावना से पूरा। हाँ बिल्कुल, मेरे खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है, किसी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और ये जो मैंने तो स्वयं जो विनय शर्मा जो लिपिक यहाँ कार्यरत थे मेरे आने से पहले से उनके मैंने जो वित्तीय निमित्ता की जा रही थी उसका पटाक्षेप किया है। और जो आरोप उन्होंने अनर्गल मनगढ़ंत लगाए हैं उनका कोई भी वो उसका कोई भी वो नहीं दे पाया, सबूत नहीं दे पाए हैं जो यहाँ पे टीम आई थी जांच टीम। मतलब किसी तरह से कोई सबूत नहीं है यहाँ पर, जिस तरह से जो मैम झोलाछाप डॉक्टर्स हैं उनको जो बता रहे हैं कि जो नहीं कुछ भी, कोई भी आरोप जो सब आरोप हैं सब झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, अनर्गल हैं और बदले की भावना से प्रेरित हैं। इस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे, इसके अलावा और भी टीम थे जो भी है, फिलहाल सीधी तौर पर मैम नकारते हुए कह रहे हैं कि जांच के विषय, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उसकी जांच की गई थी, उसकी पुष्टि की गई थी, उसी की द्वेष की भावना से ये पूरा प्रकरण किया गया है। लेकिन अभी न्यूज़ वन इंडिया आगे चलेगी और आगे इस प्रकरण की जांच करेगी, आखिर इसमें क्या क्या और हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दानिश के साथ मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्री सतीश द्विवेदी ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, निरीक्षण भवन इटावा के प्रांगण में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस दौरान 7 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। पूर्वांचल विकास निधि से होगा सड़कों का निर्माण, 15 मार्च तक बनकर तैयार होगी ये सभी सड़कें। बीजेपी सरकार में विकास के कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं, सतीश द्विवेदी ने कहा।
इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।